हम कर रहे हैं और मैं बिहार में टॉप किया हूँ। फिर हम लोग इधर ढूंढने लगा, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, इतने खुश हो गए ना, तो लोग रोने लगे लिटरली, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत बहुत से पहले तो मैं मीडिया वालों ने रिजल्ट देखा, फिर उनका कॉल, शायद उनको पहले रिजल्ट मिल जाता है, घर पे तो उनको मतलब भरोसा ही हो रहा था कि मतलब रैंक वन आ गया। वो 10 घंटा पढ़ते थे और उनको क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि था। रोंगटे खड़े हो गए, एकदम आँख से आंसू आ गया, उछल उछल के बोल रहे थे पापा भाई टॉप कर गया, नंबर वन कर गया। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। वैशाली के रहने वाले सुधीर कुमार बीपीएससी के टॉपर बने हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है टॉपर बनने के बाद, वो सुनिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों ने रिजल्ट देखा, फिर उनका कॉल, शायद उनको पहले रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर उनके कॉल आने शुरू हो गए 1 घंटे तक। तो फिर मैंने फिर घर पे कॉल करके उनको बताया कि रिजल्ट आया है और मैं टॉप किया हूं। घर पे तो उनको मतलब भरोसा ही हो रहा था कि मतलब रैंक वन आ गया, क्योंकि ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बहुत खुशी हुई, एकाएक मतलब ऐसा आप देते हैं इन्फॉर्मेशन कि रैंक वन आ गया। तो ऐसे टॉपर किए हैं, इसके लिए हमको चारों तरफ से हर जगह से माने टोला मोहल्ला से बधाई आ रही है। कितने घंटे पढ़ते थे और उनकी रुचि कौन कौन सी खेलों में है? हाँ, वो लगभग 10 घंटा पढ़ते थे और उनको क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि था। उछल उछल के बोल रहे थे पापा भाई टॉप कर गया, नंबर वन कर गया। एक्चुअली हम लोग भाई को फोन कर रहे थे, बीपीएससी के साइट पे जा रहे थे, पर वो ओपन नहीं हो रहा था, तो भाई को फोन कर रहे थे। फिर उधर से कॉल बैक आया कि मुझे मीडिया वाले जो है वो फोन कर रहे हैं और मैं बिहार में टॉप किया हूँ। फिर हम लोग इधर ढूंढने लगा, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, इतने खुश हो गए ना, तो लोग रोने लगे लिटरली, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत 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 खुश है, बहुत खुश है। आपको बता दें, वहीं अरवल के अमृत्य कुमार आदर्श सेकंड टॉपर और मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा थर्ड टॉपर बने हैं। पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार फोर्थ टॉपर और पटना के विनय कुमार फिफ्थ टॉपर बने हैं। बीपीएससी ने देर शाम फाइनल रिजल्ट जारी किया। अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। गौरतलब है कि परीक्षा के माध्यम में कुल 689 पदों पर नियुक्तियां होनी है। आयोग के अनुसार 689 रिक्त के विरुद्ध 685 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। 34 डीएसपी समेत विभिन्न विभागों में 685 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। बता दें कि 13 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था।